नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। इकोनॉमिक सर्वे 2020 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के इकोनॉमी में वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी क्या होती है। हम यह भी देखेंगे कि कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव ने किस प्रकार हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट किया और गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब किस प्रकार कॉपरेट कर रही है इस कोविड के सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की इकोनॉमी में 10% से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर अप्रैल 2021 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमी रिव्यू यह एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव है वह हमारी इकोनॉमी को फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में कम प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वह सीख गई है कि इस कोविड-19 को किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से डील करना है। तो दूसरी ओर इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट 2020 से 21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका रिपोर्ट यह बोल रही है कि जून 2020 के बाद से इंडिया के इकोनॉमी में एक वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि यह वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी क्या होती है। देखिए, जब कभी भी हमारे इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को मिलती है, एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और उसके बाद जब हमारी इकोनॉमी रिकवर करने लगती है, ग्रोथ देखने को मिलती है हमारे इकोनॉमी में, तो इसे ही वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी कहते हैं। देखिए, इसमें ग्राफ कैसा हो जाता है हमारा, जैसे ही हमारे इकोनॉमिक रिकवरी में कमी देखने को मिली, डिक्लाइन देखने को मिली, तो हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर चला गया। अब जैसे ही सब चीज नॉर्मल होता है, तो जब हमारी इकोनॉमी में इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, तो क्या होता है कि जो ये जो ग्राफ का लाइन है, हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर जाता है। तो ये एक वी शेप्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसे वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं। और यह देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिक्लाइन हुआ, अब उसके बाद जो ये राइज देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली, तो यह लंबे समय के लिए नहीं होता। मतलब कि डिक्लाइन हुआ, जो डाउनफॉल है, और उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद, यानी टाइम पीरियड जो रहता है वह कम रहता है हमारे इकोनॉमी के रिकवरी में, इसीलिए इसे वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी कहते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि यूएसए में कब कब वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी देखने को मिली है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के आगे में बता दूंगी। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2020 में हमारी कंट्री में कोरोना वायरस ने दस्तक दी, जिसके कारण क्या हुआ कि लॉकडाउन लगाया गया और इसकी वजह से हाउस होल्ड इनकम में कमी देखने को मिली और दूसरी ओर हमारी कंट्री के पॉवर्टी यानी गरीबी में बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए, बहुत सारी रिसर्च यही बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण हाउस होल्ड इनकम में कमी आई है और गरीबी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिकागो बूथ स्कूल के वर्तनन कृष्णन और स्कूफील्ड ने यह पाया कि अप्रैल 2020 में इंडिया के हाउस होल्ड इनकम में 84% से कमी देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक फूड आइटम्स जो है उसमें भी 23% से कमी देखने को मिली थी अगस्त 2020 में एज कम्पेयर टू अगस्त 2019। जैसा कि कोरोना वायरस ने हमारे इनकम को तो अफेक्ट किया ही किया, साथ ही साथ पॉवर्टी को भी बढ़ा दिया है। बात करें हम स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 के रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार 230 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर दिया है, गरीबी रेखा को क्रॉस कर दिया है। तो दूसरी ओर प्यू रिसर्च सेंटर जो है वह भी कुछ इसी प्रकार की डेटा हमें प्रोवाइड कर रही है। प्यू रिसर्च सेंटर कह रही है कि इस पैंडेमिक के कारण 32 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास की कैटेगरी से बाहर निकलकर लोअर क्लास की कैटेगरी में आ गए हैं और 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लोअर क्लास की कैटेगरी से बाहर निकलकर पॉवर्टी की कैटेगरी में आ गए, गरीबी रेखा में आ गए। हम अभी तक ठीक से कोविड के फर्स्ट वेव से उभरे नहीं कि सेकेंड वेव ने दस्तक दे दी। हालांकि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि सेकेंड वेव हमारी इकोनॉमी को उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट सेकेंड वेव ने
हमारे इकोनॉमी के रूरल सेक्टर्स को अधिक प्रभावित किया, रूरल एरियाज को अधिक प्रभावित किया है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस का सेकेंड वेव ने हमारे रूरल एरियाज को अधिक प्रभावित किया। देखिए क्या हुआ है इस कोविड के सेकेंड वेव के कारण, रूरल एरियाज में 80% वीमेन्स ऐसी पाई गई हैं जिन्होंने अपने जॉब को लूज कर दिया है, जॉब गवा दी है। बात करें हम मेन की तो 1.6 मिलियन मेन ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने मार्च 2021 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में अपने जॉब जो है वह गवा दिए हैं, लूज कर दिए हैं। और ये तो सेकेंड वेव के कारण था। बात करें हम फर्स्ट वेव की तो फर्स्ट वेव के कारण 100 मिलियन मेन ऐसे थे जिन्होंने मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच में अपना जॉब गवा दिया था, लूज कर दिया था। वही वीमेन जो है 15 मिलियन वीमेन्स ऐसी थी जिन्होंने मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2020 में अपने जॉब जो है वो लूज कर दिए थे, गवा दिए थे रूरल सेक्टर एरियाज में। और इस सेकेंड वेव के कारण फीमेल जो है 5.6 मिलियन फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने अपना जॉब जो है वो गवा दिया है, लूज कर दिया है। फार्मर्स को भी इस कोरोना वायरस का सेकेंड वेव ने बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, बात करें हम एम्प्लॉयमेंट रेट की तो मार्च 2020 में एम्प्लॉयमेंट रेट में कमी देखने को मिली थी कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव के कारण। इंडस्ट्रियल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट रेट में 68%, सर्विस सेक्टर में 22% और एग्रीकल्चर सेक्टर में 10% से कमी देखने को मिली थी। और अब इस सेकेंड वेव के कारण अप्रैल 2021 में एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% से कमी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसा कि अभी हमारे कंट्री का कंडीशन है, इस कंडीशन में हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हेल्थ केयर यानी हेल्थ केयर स्टाफ की डिमांड जो है वो बढ़ गई है कि जैसे जैसे केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस ऐसे में क्या होना चाहिए था कि ऐसे में यहाँ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए थी। बट इस सेकेंड वेव के कारण क्या हुआ है कि रूरल एरियाज में हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट में 50% से कमी देखने को मिली है। वहीं जो फर्स्ट वेव आया था कोरोना वायरस का तो उसमें हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। अर्बन एरियाज में 42% से और रूरल एरियाज में 28% से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और अब इस सेकेंड वेव के कारण क्या हुआ कि अर्बन एरिया के हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट में 1% से इंक्रीमेंट देखने को मिली है, तो वहीं रूरल एरियाज के हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिली है 49% से। इस कोविड के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है। और ये बेरोजगारी जो मोस्टली रूरल यूथ में देखने को मिल रही है, 30 साल से अधिक लोग ऐसे पाए गए हैं जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है। हालांकि रूरल एरियाज में इंक्रीमेंट हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में, अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में इंक्रीमेंट हुई है, बट यह अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कंपेयर करें अर्बन एरियाज के रेट से तो रूरल एरियाज में अधिक है। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट जो है वह लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस कोविड के सिचुएशन में वो हमें कोऑपरेट कर सके। जैसा कि इस कोविड के कारण सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित कौन हुए हैं तो वर्कर्स तो हुए ही हैं, साथ ही साथ बात करें हम बिजनेस की तो स्मॉल और मीडियम बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें अधिक प्रभावित हुए हैं इस कोविड के कारण। तो गवर्नमेंट जो है उन्हें लगातार हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी लेके आई थी, 10,000 करोड़ रुपए की SLTRO की फैसिलिटी, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 और भी अन्य चीजें लाई हैं। इस विषय में हमने एक अलग ही वीडियो बनाया है, यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे उस वीडियो को जरूर देखें। गवर्नमेंट साथ ही साथ यह भी कर रही है कि जो COVID-19 के ड्यूरेशन में जो भी इसेंशियल चीजें जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइजर, PPE किट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एक्सेट्रा, इन सभी चीजों की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो यह था वी सेव्ड इकोनॉमी रिकवरी और उससे रिलेटेड हमारी कंट्री का अभी क्या कोविड के कारण हमारी कंट्री के इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि US के आपको बताना है कि USA में कब वी सेव्ड इकोनॉमी रिकवरी देखने को मिली थी। तो इसका आंसर है पहला दो बार देखने को मिला है। पहला था द डिप्रेशन ऑफ 1920 से लेकर 21
इसके बाद और फिर डिसेशन ऑफ 1953 के बाद यूएसए में वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी देखने को मिली थी। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद।